अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बेनिफिशियल साबित होंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग को रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो लेट्स बिगिन फर्स्ट एमसीक्यूज विच पार्ट ऑफ अफेक्टेड बाई नमोनिया बाडी का वो कौन सा ऐसा है जो कि नमोनिया से मुतासर होता है नमोनिया से मुतासर होता है तो ये लंग्स हैं डी लंग्स हैं जो कि नमोनिया से मुतासर होते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो नमोनिया है ये इंफेक्शन है लंग्स का क्वेश्चन नंबर टू इन विच ऑर्गन फेट इज डाइजेस्टेड बॉडी के कौन से ऑर्गन में जो फेट है वो डाइजेस्ट होता है तो इसका सही जवाब है सी स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये जो फेट है वो डाइजेस्ट होता है क्वेश्चन नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलाेंट होता है खासतौर पे जो जो हम जो रेड बल्ब्स यूज करते थे पहले उसमें जो अंदर जो लकीर लाइन्स होती थी जो जलती थी उसको फिलाेंट बोलते हैं तो जो फिलामेंट होती है इलेक्ट्रिक बल्ब की ये किस चीज की बनी होती है तो ये टंगस्टन की बनी होती है क्वेश्चन नंबर फोर वच गैस इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बनस्पति घी वो जो है कौन सी गैस है जो के यूज की जाती है बनस्पति घी मैन्युफैक्चर करने में तो इसका सही जवाब है बी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो गैस है ये यूज की जाती है वनस्पति की मैन्युफैक्चरिंग में क्वेश्चन नंबर फाइव मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड हमारी स्किन का जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको ए एपिडर्मिस कहा जाता है जो बाहर का लेयर होता है स्किन का क्वेश्चन नंबर सिक्स बी सी जी वैक्सीन इज यूज अगेंस्ट बीसीजी बी सी जी जो वैक्सीन है ये किस बीमारी के अगेंस्ट यूज की जाती है तो ये डी ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस या जिसको हम टीबी बोलते हैं उसके अगेंस्ट यूज की जाती है ये बी सी जी वैक्सीन और बी सी जी का जो फॉर्म है वो है बेसीले बेसी कालमेटे गोरेन बेसिले कालमेटे गोरेन बी सी ये वैक्सीन है जो कि यूज की जाती है अगेंस्ट ट्यूबर क्वेश्चन नंबर सेवन ट्राकोमा इज अ डिजीज ऑफ ट्राकोमा जो डिजीज है ये जो है किस चीज की डिजीज है तो ट्राकोमा जो डिजीज है ये बी आई की डिजीज है ट्राकोमा क्वेश्चन नंबर एट बायोगैस इज दी कॉमन नेम ऑफ बायोगैस जो है ये किस गैस का जो है कॉमन नेम है तो ये आ, जो है नेचुरल गैस का कॉमन नेम है बायोगैस। क्वेश्चन नंबर नाइन यूनिट ऑफ मयरिंग इंटेंसिटी ऑफ नॉइज इस कॉल्ड जो आवाज होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है आवाज की उसको मयर मयर करने के लिए जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है तो इसका जो सही जवाब है डेसिबल डी डेसिबल जो होता है ये आ, जो है इस होता है करने के लिए क्वेश्चन नंबर टेन दी एच ऑफ ह्यूमन ब्लड इस ह्यूमन ब्लड का जो पी एच है वो कितना है तो ह्यूमन ब्लड का जो पी एच है वो है सेवन पॉइंट फाइव टू एट बी सेवन पॉइंट फाइव टू एट नेक्स्ट वन दी स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज नोन एज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है तो उसका जो सही जवाब है सी क्रोनो बायोलॉजी क्रोनो बायोलॉजी जो है ये स्टडी है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ की क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वुज मेटल इज यूज इन द स्टोरेज बैटरीज वो कौन सा मेटल है जो स्टोरेज बैटरीज में यूज किया जाता है तो ये लीड मेटल है लीड मेटल है जो के स्टोरेज बैटरीज में यूज किया जाता है और ये जो स्टोरेज बैटरीज हैं इसको रिचार्जेबल बैटरीज भी कहा जाता है रिचार्जेबल बैटरीज क्वेश्चन नंबर थर्टीन वु फूड कंटेंस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी वो कौन सा फूड है इनमें जो कि जिसमें सबसे ज्यादा जो विटामिन सी है तो ये टोमेटो है इनमें से ये टोमेटो है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच इज दी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है तो ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो है सेरी ब्रम सेरी ब्रम जो है ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मयर द माइनेट माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मयर करते हैं जो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल करंट तो इसका जो सही जवाब है वो है गाल्वेनो मीटर गालवेनोमीटर से हम माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट यूज करते हैं सॉरी मयर करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन यूनिट ऑफ मयरिंग इंटेंसिटी ऑफ नॉइज इज कॉल्ड डेसिबल क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ दी नोबल गैसेस। इनमें से कौन सी गैसेस हैं जिनको जो है नोबल गैसेस कहा जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है सी हीलियम, नियोन और आर्गन। इनमें से ये तीनों गैसेस हैं जो के हैं नोबल गैसेस क्वेश्चन नंबर एटीन हेपाटाइटिस एंड जोइंडाइस आर दी डिजीज ऑफ हेपाटाइटिस और जो जोइंडाइस जो डिजीज हैं वो ये दोनों किस चीज़ की डिजीज हैं तो इसका जो सही जवाब है वो है लेवर हेपाटाइटिस और जोडाइस जो डिजीज होती हैं ये लेवर की डिजीज है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन

कंट्रोल करता है तो इसका जो सही जवाब है वो है ए मेड्यूला ओब्लोगाटा मेड्यूला ओब्लोगाटा जो है ये कंट्रोल uh, करता है ब्रीथिंग को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन नॉर्मल पल्स बीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बिटवीन ह्यूमन बॉडी की जो नॉर्मल जो पल्स बीट होती है वो कितनी होती है तो इसका सही जवाब है सी सेवेंटी टू टू एटी पर मिनट नेक्स्ट वन व्हिच organ in the human body purify blood हमारे बॉडी में को वो कौन सा organ है जो रिस्पांसिबल होता है ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए तो इसका जो सही जवाब है ए जो किडनीज होती हैं ये रिस्पांसिबल होती हैं ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ बॉडी आवर बॉडी में जो सबसे ज्यादा जो बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा है तो इसका सही जवाब है बी लेवर लिवर जो है सबसे बड़ा जो ग्लैंड है बॉडी का और ये जो लिवर है ये सबसे बड़ा जो इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का वो भी लेवर ही है नेक्स्ट वन विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट बोन है वो कौन सा है तो ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट बोन है वो है ए फीमर या बोलने जो थाई बोन है वो, वो लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द एयर वी इनहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जो एयर हम लेते हैं ये गैसेस का मिक्सचर है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द मिक्सचर ऑफ द इज इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द मिक्सचर इज द हाईएस्ट इन परसेंटेज वो जो हम एयर लेते हैं वो मिक्सचर होता है गैसेस का इनमें से कौन सी जो है मिक्सचर में गैस है जो के जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो इसका जो सही जवाब है इसका सही जवाब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है जो हम एयर लेते हैं उसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना होता है तो ये सेवेंटी एट पॉइंट वन परसेंट होता है और उसके बाद जो है दूसरा नंबर होता है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन कितनी होती है तो ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वो कौन सा एसिड है जो कि कार बैटरीज में यूज होता है तो ये ट्वेंटी सिक्स का जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये जो है एसिड है ये जो जो के कार बैटरीज में यूज होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सुई गैस तो इसका जो सही जवाब है वो है मीथेन डी मीथेन जो है ये सबसे ज्यादा है जो हम गैस जो यूज करते हैं उसमें मीथेन का मकदार सबसे ज्यादा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वुच कलर हैज दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेंथ वो कौन सा कलर है जिसमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ लेंथ होती है तो ये रेड कलर है जिससे सबसे ज्यादा वेब लेंथ होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वुच ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम दी डिजीज वो कौन से ब्लड सेल्स हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से तो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को बीमारियों से क्वेश्चन नंबर थर्टी एंड द लास्ट वन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगर प्रिंट इज नोन एज फिंगर प्रिंट्स की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या कहा जाता है तो उसको डरमेटोलायफिक कहा जाता है से कहा जाता है जो कि साइंटिफिक स्टडी है फिंगर प्रिंट्स की थैंक यू सो मच आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल बेस्ट प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच वालेकुम